हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। चलिए जल्दी से बात कर लेते हैं आपके एक इंग्लिश के पेपर BEGAE 182 यानी कि इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल। इस वीडियो में बात करेंगे किन बातों का आपको ध्यान रखना है जिससे एक बार में आपका पेपर निकल जाए। तो ये जो पेपर है बेसिकली ये 2 घंटे का होता है, 50 मार्क्स का पेपर होता है। सभी क्वेश्चन इसमें आपको करने होते हैं, 70% वेटेज होता है आपके मेन एग्जाम में। तो यहाँ पे 4 ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो पहला क्वेश्चन होता है इसमें आपको 60 आंसर लिखने होते हैं, यानी कि इसके अंदर 4 प्रश्न आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर ABCD 4 क्वेश्चन होंगे। 100 से 200 शब्दों के बीच आपको इसका उत्तर लिखना होता है। ये वो क्वेश्चन होते हैं आपकी बुक से पूछे जाते हैं। देन जो दूसरा क्वेश्चन होता है ये 10 नंबर का होता है। इसमें आपको एक लेटर लिखना होता है, आगे क्वेश्चन में देखेंगे किस तरह के लेटर लिखना होता है। देन एक क्वेश्चन होता है प्रेजेंटेशन का, आपको एक प्रेजेंटेशन बनाना होता है। 10 नंबर का आता है ये क्वेश्चन। कोई एक टॉपिक दिया जाएगा, उसको आप कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, क्या आउटलाइंस होंगी, उसके बारे में लिखना होता है। और फिर फाइनली एक क्वेश्चन होता है ग्रुप डिस्कशन का, कोई एक टॉपिक दिया जाएगा उसमें आप किस तरह से डिस्कस करेंगे उस टॉपिक को, उसके बारे में। तो इस तरह से 4 क्वेश्चन होते हैं, 50 नंबर का ये पेपर होता है। जहां तक बात करना है, बात करें अगर इस ये जो आपका पेपर है इसको कैसे आप आसानी से निकाल सकते हैं, तो मोस्टली इसमें जो चीजें हैं आपके बुक के कंटेंट से ही आती हैं। तो इसमें कोई ग्रामर का रोल नहीं है इस पेपर में, और आपके लिए हमने जो आपके ओल्ड क्वेश्चन पेपर है उनकी PDF फाइल तैयार कर दी है 49 रुपीज में। साथ ही साथ जो दूसरे प्रोग्राम है BLIES है, BEGLA 136 135, इन सबकी भी PDF फाइल्स तैयार हैं। तो इनके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। तो आज का जो ये आपका पेपर है BEGAE 182, इसको कैसे आप पास करेंगे, क्या इसका तरीका है, तो इसके लिए बहुत आसान है। हमने इसकी PDF फाइल तैयार की है, आप इसको फॉलो कर सकते हैं। इसमें हमने सबसे पहले आपके जो ओल्ड क्वेश्चन पेपर है उनको लगाए हैं, इसके बाद उनके आंसर्स तैयार किए हैं। और अगर आप केवल इतना ही पढ़ लें, जो ये लगभग ये 50 पेज की PDF है, अगर आप केवल इसको ही अच्छे से पढ़ लें तो आसानी से आपका ये पेपर एक बार में निकल जाएगा। हमने क्या किया है, सैंपल आप देख सकते हैं। जो आपके बुक के टॉपिक्स हैं उनके YouTube वीडियो बनाए हैं, और इस PDF फाइल पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे आप डायरेक्टली इन वीडियो पे चले जाएंगे। आधे आधे घंटे की ये वीडियो हैं, आप इनको सुन लेंगे तो आपकी जो शुरू के 4 क्वेश्चन आ रहे हैं जिन पे आपको डिटेल में 100 वर्ड्स में लिखना है वो तैयारी हो जाएगी। इसके बाद किस तरह से लेटर लिखना होता है, किस तरह से प्रेजेंटेशन तैयार करना होता है, ये सब चीजें इन वीडियोज को सुनने के बाद बहुत आसानी से आप तैयार कर लेंगे। यानी ये 50 नंबर का जो आपका पेपर है जिसमें 18 नंबर पास होने के लिए चाहिए, आप आसानी से इसमें 25 से 30 नंबर ला सकते हैं। इस PDF को आप बाय कर लीजिए, इसमें जो YouTube वीडियो के लिंक दिए हुए हैं उनको सुन लीजिए, और जो पुराने क्वेश्चन पेपर हैं उनके हमने आंसर्स भी इस PDF फाइल में तैयार करके आप लोगों के लिए रख दिया है। तो आप इस PDF फाइल को बाय कर सकते हैं। ये देखिए पुराने क्वेश्चंस, देन उनके आंसर्स लिखे हुए हैं, रेड में क्वेश्चंस हैं और देन ब्लैक में आंसर्स लिखे हुए हैं। तो आपको इससे आइडिया लग जाएगा किस तरह से आंसर्स एग्जाम में लिखने चाहिए। तो अगर आप ये PDF फाइल बाय करना चाहते हैं तो ऑलरेडी आपको हमारा व्हाट्सएप नंबर पता ही होगा, नहीं पता है तो एक बार मैं आपको बता देता हूँ। हमारा जो व्हाट्सएप नंबर है 8279584910 है, इस पे आप मैसेज कर सकते हैं। और टेलीग्राम का ग्रुप भी है, इसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, यहाँ से भी आपको मदद मिल जाएगी जो लेटेस्ट अपडेट्स हैं। ये यूट्यूब चैनल है और ये हमारी वेबसाइट है। तो इस PDF को बाय करने के लिए केवल आपको 49 रुपीज का पेमेंट करना है, और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि आप अगर आपके पास समय नहीं है, वैसे भी इग्नू में एडमिशन के बाद ज्यादातर विद्यार्थियों को तो यही नहीं पता होता कि जो सब्जेक्ट ले रहे हैं वो उन्हें लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। अब चूंकि इंग्लिश का पेपर है, ले लिया है तो इसको निकालना भी पड़ेगा क्योंकि सब्जेक्ट चेंज होता नहीं, दूसरा क्लासेस होती नहीं इग्नू में, और ज्यादातर स्टूडेंट साल भर पढ़ाई करते नहीं, केवल एग्जाम के समय उनको याद आता है कि हमारा पेपर है अगले हफ्ते से, अब हमें पढ़ना है। तो ऐसी स्थिति में एक हफ्ते में आप इसकी तैयारी कर सकते हैं, बहुत आसान पेपर है। केवल आपको 18 नंबर लेके आना होता है 50 में, आप आराम से 25 से 30 नंबर ला सकते हैं अगर आप ये PDF बाय करके इसको स्टडी कर लें तो। बाकी आपकी इच्छा, अगर आप बाय करना चाहें तो कर सकते हैं। ये QR कोड है, इसके माध्यम से भी आप पेमेंट कर सकते हैं, इस मोबाइल नंबर पे भी आप
पेमेंट कर सकते हैं, और पेमेंट करने के बाद आपको अगर ये जो डिटेल है पेमेंट की इस मोबाइल इसी मोबाइल नंबर पर भेजना होगा, देन आपको पीडीएफ फाइल भेज दी जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ जो भी लोग बीएजी बीकॉम जी बीएससी जी के स्टूडेंट हैं जिन्होंने ये पेपर ले रखा है बीईजीई 182 इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल, उनके लिए ये पीडीएफ बहुत मददगार साबित होगी। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय।